पटना की सड़कों पर उतरे बंद समर्थक राजद व जाप कार्यकर्ताओं ने बाधित कर दिया आवागमन। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। छात्र संगठनों के बिहार बंद के समर्थन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी पटना में जगह जगह आवागमन बाधित कर दिया गया है। इस कारण से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बंद समर्थकों ने अशोक राजपथ को साइंस कॉलेज के पास जाम कर दिया। डाकबंगला चौराहे पर जाप समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में अशोक राजपथ के साथ ही डाकबंगला चौराहा राजद कार्यालय के पास बंद समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। राजद कार्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने आवागमन बाधित कर रखा है। आंदोलन को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है और नंदलाल छपरा में NH को जाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि छात्रों के हंगामे को देखते हुए रेलवे प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डाकबंगला चौराहे पर जाप के बाद धीरे धीरे अन्य पार्टियां और संगठनों के लोग पहुंचने लगे हैं। इस कारण कोतवाली पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। वहां पूर्व विधायक समेत कई लोग धरना पर बैठ गए हैं। इधर बंद समर्थकों ने गांधी मैदान में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। बाढ़ में सवेरा मोड़ के पास छात्र नागजनी कर NH 31 को जाम कर दिया है। इसके बाद उनका हुजूम रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गया है। रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर छात्रों ने भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। वहीं मसौढ़ी के तरेगना गुमटी के पास सड़क जाम कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। सड़कों पर पुलिस गश्त लगा रही है। धनरुआ के पभेरी मोड़ पर राजद कार्यकर्ताओं ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया है। तमाम बिहार से ये तस्वीरें आ रही हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट जारी है। मैं आपको बता दें कि पटना, दरभंगा, भागलपुर में ट्रेन को रोकी गई है और राजधानी सहित कई जिलों में सड़क जाम व आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। रेलवे की गैर तकनीकी लोकप्रिय संवर्ग की भर्ती परीक्षा RRB NTPC में धांधली के आरोप में छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता दिख रहा है। आंदोलन के 5वें दिन यानी आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इसे कई छात्र संगठनों व महागठबंधन के घटक दलों सहित विपक्ष के समर्थन दिया है। इस मामले में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी BJP में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी घटक दल भी बंद समर्थकों के साथ खड़े दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पटना में जगह जगह सड़क जाम कर दिया है। अभी तक पटना, दरभंगा, वैशाली, मोतिहारी, आरा व समस्तीपुर सहित कई जगहों से सड़क जाम की खबरें मिल रही है। पटना, भागलपुर और दरभंगा में ट्रेन भी रोकी गई है। इसमें छात्रों को भड़काने के आरोपित पटना के खान सर ने छात्रों से आंदोलन में शामिल नहीं होने की अपील कर दी है। बंद को देखते हुए पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि लगातार बिहार के उन तमाम जगहों से मैं खबरें आपको दिखाते आ रहा हूं और आपको बता दें कि कल रात में ही खान सर ने इस प्रोटेस्ट में छात्रों को नहीं आने की बातें कही है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर तमाम जगहों से बंदी की खबरें आ रही है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ।